हेलो हाँ जी, लाइव का कोई भरोसा नहीं भाई साहब। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हेलो, किससे बात करनी है? आप ही से 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। पैसा अच्छा, बचाने के चक्कर में आदमी ना अपना नुकसान कर लेता है ज्यादा, ये वजह अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरे को क्यों बता रहा नहीं, है? मैं बता रहा हूँ, सुन लो। कई लोगों को बता रहा था, कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने फोन काट दिया। अब आप 1 मिनट देंगे तो मैं साबित कर सकता हूँ कैसे पैसा बचाने के चक्कर में नुकसान हुआ। चल जल्दी बता, फिर जल्दी बता। मेरे दूर के चाचा जी, उनको अच्छा सुगर केन का जूस, गन्ने का जूस बड़ा पसंद। अच्छा लेकिन 15 रुपया गन्ने का जूस का पैसा बचाने के चक्कर में जब भी गन्ने हाँ का खेत दिखता था उसमें कूद जाते थे, वहां से सही तो गन्ने है, गन्ना गन्ना खाने के लिए ना। एग्जैक्टली तो चाहते थे 15 रुपया बच जाए, गन्ना ऐसे उखाड़ के मैं खा लूंगा। हाँ फिर एक दिन ऐसे ही 15 रुपया बचाने के चक्कर में वो कूदे, उनके हाथ में ना गन्ने की छोटी सी लकड़ी घुस गई उंगली में। अच्छा, तो पहला पैसा कहाँ बचाया? गन्ने के जूस का। गन्ने का जूस में। फिर उंगली में जब घुसी तो अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। फिर उनने सोचा नहीं, ये तो मैं खुद ही सुई से निकाल लूंगा, या वो ऐसे सेफ्टी पिन से लोग निकाल लेते ना उंगली में कोई लकड़ी फंस जाए तो बैठ के निकाल रहे थे। डॉक्टर ही कर रहे थे, बन रहे थे बड़े। तब तक पीछे से उनका छोटा लड़का खेलता खेलता आया, धक्का मारा और अंदर सुई घुस गई। मेरे को क्यों बता रहा है? सुनो, फिर उनके हाथ में और लग गया। फिर भाई जैसे हाथ में लगा वो खून हाथ से निकल के उनके शर्ट पे गिर गया। अब उनको जाना था इंटरव्यू पे, जॉब चेंज कर रहे थे। अच्छा अब वहां भी पैसा बचाया उन्होंने, चाहते दूसरे शर्ट ले लेते, नहीं उनने कहा शर्ट को धोऊंगा। फिर धोने का क्या था भाई, ड्राई क्लीन में दे देते, नहीं वहां भी पैसा बचाया, खुद साबुन से घिस के धो रहे हैं। फिर साबुन लग के वो जो घाव लगा था हाथ में और पक गया। भाई साहब लाइन पे हैं आप? अबे घाव तो बाद में पकेगा, पहले मैं पक गया। एक सेकेंड। फिर उन्होंने जैसे तैसे पट्टी की, शर्ट सुखाया, पहन के इंटरव्यू पे गए, उनकी नौकरी भी लग गई। लेकिन नौकरी में पैसा मिलेगा इस खुशी में वो अपना घाव भूल गए। और फिर अंत में वही हुआ, घाव पक गया। फिर उन्हें नौकरी के पहले दिन ही सिक लीव लेनी पड़ी। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने बोला पहले आ गए होते, अब जहर फैल जाएगा तो हाथ काटना पड़ेगा। अब आप बताओ किसकी गलती है इसमें, क्या जिम्मेदारी है किसकी, बताओ साले की जिम्मेदारी, इतना पैसा क्यों बचा रहा है? नहीं नहीं बात पैसे की नहीं थी, फिर गन्ने के खेत की थी ना, गन्ना इम्पोर्टेंट है, गन्ने में क्यों आपको कूदना था? तेरी ले ले गन्ना, तू मत्था खराब कर दिया। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत क्या ना बोले तू। आपको कभी भी गन्ने का जूस पीना है पैसा दे के पियो, खेत में ना कूदो, ठीक है? तू कूद जियो, देख लियो। गलत आदमी बात कर रहे हैं। 93.5 FM बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो अंकिल। हेलो हेलो, नमस्कार अंकिल। कौन अंकल? आप ही को बोल रहे, मैं बउआ बोल रही हूँ। कौन बउआ? आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए अंकिल। पहचाना नहीं भाई, और मैं अंकल नहीं बोल रहा, अभी पीछे क्या बज रहा है? ये पीछे बड़े ही महान संगीतज्ञ बैठे हमारे साथ, नाम है डगलेस फ्रॉम सागर का पोवा। हेलो, सब आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपका? म्यूजिक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मेरा। गाने वाने सुनते तो हैं? थोड़ा सुनते हैं, ऐसा नहीं सुनते। पहली बात तो मैं जानता नहीं हूँ, ढंग से बता कौन बोल रहा है, पीछे कौन बकवास कर रहा है। हम कह रहे जो संगीत होता है ना, वो दर्द से निकलता है, आप मानते हैं इस बात को? मानता हूँ, खुशी से भी तो निकलता है संगीत। नहीं बट अगर हम सिर्फ दर्द पे फोकस करें राइट नाउ। अच्छा जल्दी करो, आप गलत ना बोलिए। तो अगर मानते हैं आप भी कि संगीत दर्द से निकलता है, तो डगलेस जो संगीत निकाल रहे हैं इस वक्त, हेलो सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। तो अगर डगलेस जो संगीत निकाल रहे हैं, वो उनके कहाँ दर्द है जो संगीत निकाल रहे हैं? तो एक सेकंड मैं पूछता हूँ, आपके कथनानुसार मैं पूछ रहा हूँ डगलेस, राग का घोड़ी गाते हुए आप हमें बताइए, क्या आपकी नाक में दर्द हो रहा है? नाक में नहीं, नाक में नहीं है चिकन, तो क्या दांत में हो रहा है? दांत में भी नहीं, दांत में भी नहीं। क्या कान में हो रहा है? कान में भी नहीं, फेफड़े में हो रहा है? क्या हो गया जगह से रुक क्यों गए? हेलो, गांव में नई दुकान खुली। गांव में नई दुकान, ये क्या बोला आपने? गांव में दुकान, गांव की बात नहीं कर रहा मैं, की बात कर रहा हूँ। दांत पे मुक्का तो मारूंगा,
उसके नीचे मारूंगा ना फिर भी आवाज आएगी वहाँ पे। बस कर जाओ भाई, ऐसा है दांत में सफेदी का ब्रश फंसा के भेज दूंगा आगे। फोन कर दिया जगह क्या दर्द आपकी लीवर में हो रहे? लीवर तो प्यासा है। किस चीज का हम समझिए? थैंक यू जगह। एक बार फिर बजाओ। भाई कनिका ने फोन करके बौआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अभी से बौआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरी को माफ कर, सारे बच्चे पास है। पास हो गए तो मेरी जगह तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। अंकिल एक सेकंड। हाँ जी, अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया था? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी तो हमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या मैं बता दूँ? हाँ, एग्जाम का रिजल्ट आया। हाँ, और मैं फेल हो गया। अरे तुम मैं क्या कर? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बोलना। हाँ, और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? ए मरे नहीं है, मेरे गए दीदी के यहाँ नौचंदी मेले के बाद आएंगे। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं? आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं, एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दिए। जवाब क्यों लिखा? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जवाब नहीं दोगे। गंदा बोल रहे आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। शीट गीली कर दी मतलब? शीट गीली नहीं, एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस एक नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुंह दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब करके? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात करिए। Yeah, I am speaking. I am the director general of the principal school of the Lieutenant Colonel Army from Siliguri. पीछे हंस रहे हो? Don't use abusive language. गोली आगे हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? My father in law is from NASA. Rocket छुड़वा दूंगा ऊपर। तू जरूरी rocket आगे छोड़ दे। आप बताइए। You know I am the principal of the Lieutenant General of the Indian Army. क्षेत्रपाल जी। तुम्हारे देंगे तुम्हारा फोन करोगे। हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से बताइए? जनरल आर्मी अंदर डॉक्टर डैंग इन दी दर माफी मल्सो फ्रॉम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी ओके। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ क्यों बोलूँ, आपने प्रपोज किया जो? हाँ बोल दूँ। अरे यार क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कह रहा था हाँ। मेरे से गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता। अरे कौन गलत, किस किस से बात करनी है, किसको फोन मिला है? आप बातें करनी चाहिए। आप बताओ आपको गलत चीज बर्दाश्त होती है? मेरे को तो ना होती गलत। हाँ तो वही तो, आपका मेरा एक इंसानियत का रिश्ता तो है, भले नहीं जानते मेरे को। बस फोन का रिश्ता? एक मिनट, मुहावरे जो होते हैं ना मुहावरे, कितना गलत बना है। दाल में काला, हाँ तो यही होता है दाल में काला। एक मिनट, अगर बनाने है तो चावल में काला बना, क्योंकि चावल में काला दिख भी जाएगा। दाल हो सकता है दाल काली दाल ही हो, तो उसमें काला कैसे ढूंढेगा? तो टाइम वेस्ट है ना। टाइम वेस्ट तो भाई, काला दही में काला, दूध में काला, तेरे को दाल में ही ढूंढना काला, सफेद चीज में काला ढूंढ, फट से दिख जाओगा। एक सेकंड, लेकिन दूध में काला नहीं, दूध का जला, दूध का जला छाछ भी चूस चूस के पीता है। चूस चूस के नहीं, भूख भूख के। हेलो, एक बात बता, तुम सिर्फ दूध से जलते हो? अगर टमाटर सूप पी रहे हो उससे भी जल सकते हो, ट्रेन में सब कहावत है। एक सेकंड, मालूम है कहावत है पर गलत है। आप शाम को राजधानी शताब्दी में जाओ, वो लोग सूप देते हैं बड़े डिस्टिक के साथ। ट्रेन जोर से धक्का मारती है, हिल जाती है, सूप भी गिर जाते कभी कभी। तो उससे नहीं जलता, दूध से ही जलता है आदमी। गलत बात, कॉफी से भी जलता है, चाय से भी जलता है, लेकिन चाय की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चाय से चर्चा पे सरकार बन गई थी। तो तेरे को क्यों आंख में खटक रही है चर्चा? एक आंख में खटकना, एक देख मुहावरा एक तूने भी दे दिया। आंख में क्यों खटकते? नाक में नहीं खटक सकता, कान में नहीं खटक सकता, तो खटक सकता। कहाँ पर? ना 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 ना,
ऐसे आँख गए गमला। अरे तेरी सर पे गिरेगा वो गमला। मैं तेरे कान के नीचे लगाऊंगा चार। कोई काम नहीं, सुबह सुबह मक्खियाँ मार रहा हूँ। क्या मारे? मक्खी नहीं मार रहा, मक्खी से जोग आ जाए। सुन, एक बार एक आदमी कढ़ी चावल खाता है, आप खाते हैं कढ़ी चावल? हाँ भाई खाता हूँ। तो एक बार एक आदमी आप ही की तरह कढ़ी चावल खा रहे थे, उसके बगल में मक्खी आ गई भिन भिन आती हुई। तो सुनो, वो मक्खी को हटा के कहते हैं, भगजा मक्खी, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। गलत दादी, मुहावरे गलत। एक बार फिर बजाओ। मैं मनोज कॉल करके